डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? टेन इनवर्स का हाँ जी, वन वन डिवाइड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तनिष, क्या उन्होंने सही बताया है? तनिष क्या आगम जी ने सही आंसर दिया है हमें यहाँ, सर मैं सुन नहीं पाया उसका आंसर तो ठीक हम से। आपको बता दें, हमने आप इन्होंने आप अपना आगम अपना आंसर रिपीट करें। सर -1 होगा शायद, -1 अपॉन √1 - x को। आप बताएं तनिष जी, सर आपने हमने टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा था, क्या इन्होंने सही कहा? √1 + x2। अगम जी, पता लगा आपने कहाँ गलत किया? ये सर सो मिक्स कर दिया उसको। हाँ अगम, मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगी, आपने ऑनलाइन में सही गलत आंसर दिया, नहीं तो नॉर्मली ऑनलाइन में बच्चा नोटबुक खोल के आंसर देता है। हर्षिता, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स? हर्षिता, सेकेंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? वन अपॉन एक्स इंटू रूट x² - 1। एब्सोल्युटली करेक्ट, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, दिस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सो नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन मुझे नंबर क्वेश्चन 13 में डाउट है, तो में आप बोलो बेटा, एक बार आप सॉल्व करके दिखा देना क्लास के एंड में ना। बेटा लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने बेटा, अच्छा ठीक है, आप मैं एक थोड़ा बार, जल्दी चला हाँ गया था पिछली अच्छा, क्लास, मैं वीडियो आप वीडियो देख देखेंगे तो लूंगा। आपको इसका आंसर मिल पाएगा बेटा, ओके सर। ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है वाई, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको 500 ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू द पावर -7x, और आपको प्रूव करना है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है बेटा फिर से यहाँ पे। निपुण जी, आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे शायद? हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये वाई है तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ जरा। वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? वाई इक्वल टू क्या दिया बेटा आपको? 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ये आपको सवाल दिया हुआ है क्या बेटा? ये 5.7 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, आखिरी एक्सरसाइज जो है। पहले एक बार एनसीईआरटी को निपटा लेते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा। 8 हमारे पास नहीं है, 8-7 ही है। 8वीं थी, रोल्स थ्योरम थी, वो अब डिलीट हो गई है। आपकी पुरानी बुक्स अगर आपने लिए तो वहां जरूर होगी, लेकिन दैट इज बींग डिलेटेड फ्रॉम आर सिलेबस। चलिए सर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले हम लोग। डिफरेंशिएशन करिए कैसे करें इसका बताइए, हेल्प करेंगे आप मेरी। वाई का कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 500 ऐसे कैसे e की पावर 7x का, और 7x का कितना हो जाएगा? e की पावर 7x का 7 हो गया, प्लस कितना आएगा बेटा? अगली अगली अगले अगले क्वेश्चन में मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा बेटा, उसका मैं ब्लू ओ वाइट कर दूंगा मैं। 600 कांस्टेंट है, e की पावर -7x का, e की पावर -7x, और -7x का कितना होगा? बिल्कुल गलत कहा इस बच्चे ने, -7 होगा। -7x का कितना होगा? 7 होगा, -7 होगा। एक बार मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, मैं बार बार ये कहता हूं डिफरेंशिएशन हमेशा एक ही लाइन का होता है। अब एक बार और डेरिवेट करें इसको हम लोग, अगेन डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 500 ऐसे कैसे रहेगा e की पावर 7x का, और 7x का कितना हो जाएगा? सेवन, ये 7 कॉन्स्टेंट ही था तो 7 का स्क्वायर लिख दूं सर इसको मैं, प्लस 600 e की पावर -7x का e की पावर -7x, -7x का -7, तो -7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या सर इसको? अरे जी, आप बड़ी गंभीरता से इसको देख रहे हैं बेटे। 7x का कितना हो गया? मुझे जिसका डर था वही हुआ। इसको मैं दोबारा 7 लिख दूं यहां बेटा, अब ठीक लग रहा है सर आपको? शायद आपको बेहतर लग रहा होगा। अभी कितना हो गया अगर आप उसको और सॉल्व करेंगे तो? 7 × 7 कितना हो गया? 49। ये भी 7 × 7 कितना हो गया? 49। तो इसमें से 49 कॉमन ले लो अगर कहें तो, आप मत लीजिए क्योंकि मेरे को प्रूव करने में वही लेके आना है। 49 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा?
500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। और देखिए ये किसके बराबर था, ये क्या आपका सवाल नहीं था क्या? क्या वाई, ये वाई की वैल्यू है देखिए। यस बिल्कुल ठीक कहा ध्रुव जी आपने, ये 49y आ जाएगा, यही मेरा आउटपुट था। रचित जी यस सर। हाँ, ये डबल डेरिवेटिव वाले सवाल हैं, इनको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे बेटा। सर एक क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, फिर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और अगर आप अगर डोर अगर आप बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज मुझे आप छोटे बच्चे की तरह नजर आ रहे हैं, जिसकी जिसके टीथ में चॉकलेट अटक जाती है, जो 4 साल का बच्चा होता है। दवेद चलिए कोई भी, छुट्टी पे होगा तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अच्छा चलिए सर, बेटे मैंने एक सवाल करा दिया, फिर आप वीडियो में देखेंगे बेटे उसको। फिर कॉपी कर लिया बेटा आपने तनिष जी? यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन 16 में क्या करना है एक बार आप बता पाएंगे वसला जी? आपको 16 क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, आपको क्या शो करना है? इसका सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालता हूँ, और यहाँ पे मैं LHS को फिर RHS के बराबर प्रूफ कर दूंगा। तो छोटा सवाल है, कैसे करें इसको डिफरेंशिएट? तो डेरिवेटिव लगाने में e रेज टू द पावर इनटू एक्स प्लस वन में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस फंक्शन को सुंदर बनाना चाह रहा हूँ, कैसे बनाएं देखिए। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर वाई, और क्या मैं इसको एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या? ये फंक्शन थोड़ा सोर्टेड हो गया फंक्शन, क्या क्या हो गया फंक्शन, ये सोर्टेड हो गया, बड़ा आसान सा हो गया देखने में। क्या लग रहा है मुझे, थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए जरा आप। अब एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा वन, और वन का कितना होगा अल्टीमेटली कितना रह गया वन, और ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई का, और माइनस वाई का माइनस वाई का माइनस वन माइनस आ जाएगा, और वाई की जगह, और वाई की जगह कितना आ जाएगा बी बाय डी एक्स। ये माइनस आगे लगा हुआ ना बेटा इरा। अब मैं डीवाई डी एक्स को भी थोड़ा सुंदर बना लूं क्या, कैसे बनेगा देखो ये, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको बेटा हम लोग। सर आप कर लीजिए, डेढ़ सवाल निकल चुका है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, और इस माइनस को भी उधर ले जाऊं मैं अब, तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा कोई बता पाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस e की पावर वाई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, और e की पावर माइनस वाई को ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया e की पावर वाई लिख दिया। रचित जी आप सर वो फिर समझा दो सर, ये लास्ट है। लास्ट में मैंने क्या किया बेटा, ये देखिए ये जो माइनस था ना बेटा, इस माइनस को मैं उधर ले गया, इस माइनस को उठा करके मैं इधर ले गया, और e रेज़ टू द पावर माइनस वाई को ऊपर ले जाऊंगा, तो किसमें बदल जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा नहीं, यस सर। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका हम लोग, तो आप इतना कॉपी कर लीजिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं, 17वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात आ जाएगा बेटा। हाँ अरे यार नीचे अपॉन में एक ही बार माइनस फाइव नहीं था यहाँ पे, तो ऊपर ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम है आपको। तो मैं लिख दूं यहाँ पे दोबारा से, डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया कुल मिला के मेरे पास माइनस ई की पावर वाई आ गया। अब इसको एक बार और डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्या हम लोग?
करिए जरा क्या आएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू ई की पावर वाई का कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और वाई का कितना आएगा, हो गया प्रूफ। अब देखिए क्यों ई की पावर माइनस वाई किसके बराबर है बताइए, यहाँ ई की पावर माइनस वाई किसके बराबर है, तो ई की पावर माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू में कितना आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्या मैं इसको डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, हो गया प्रूफ, और क्या करना है मुझे, दूसरा समझ में आ गया आपको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, हाँ पर मुश्किल लग जाता है पेपर में, लेकिन 17 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये शायद इंद्रप्रस्थ के पेपर में भी अभी आया था। तनिष जी क्लियर है आपको, यस सर। हर्षिता और इस बार जो संडे टेस्ट है ना, संडे टेस्ट की टाइमिंग हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा, हम लोग इस बार संडे सुबह 8 बजे टेस्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता संडे ना हो, उसको वीकेंड शिफ्टेड टू मंडे और सम अदर, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास अभी तक तो नहीं है, हाँ सैटरडे तो कल ही आ गया, अभी तक नहीं है एक्चुअली में, मैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा आपकी, क्या बोलिए क्या सर, टेस्ट में बता दूंगा आपको, मैं को थोड़ा रख लेना, मतलब मैं कह रहा हूँ संडे 12 बजे मत रखना बस, नहीं 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 रखूंगा संडे, नहीं रखूंगा हम संडे, मेरे को थोड़ा सा काम है जरा, संडे संडे कुछ नहीं है, ठीक है देखेंगे जरा हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिए प्लीज सर, आगे चलेंगे। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्रुव जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ, हाँ नलिन आपने लेट ज्वाइन किया है बेटा, नलिन जी अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे बहुत सारे इस फैमिली में सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है आपको देखिए जरा एक बार, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू वाई टू, वाई टू स्टैंड हेयर फॉर द डबल डेरिवेटिव, सेकेंड और डेरिवेटिव है, और y1 स्टैंड फॉर सिंगल डेरिवेटिव, सो इसको हमें प्रूव करना है। मैं सवाल लिखता हूं, y कितना दे रखा है मुझे, बिल्कुल सही कहा आपने, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है इन्होंने, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है, नहीं नहीं अच्छा 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 वाइट पे वाइट इंक चल रही थी इसलिए नहीं आ रही थी वो, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्लीज आप मेरी हेल्प करें, डिफ्रेंशिएशन करिए y का कितना हो जाएगा, लेकिन मैं y1 लिखूंगा यहाँ, बताइए y1 मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि सवाल में इस तरह से प्रूव करना है सर, हाँ कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कोई बच्चा बताएगा, टू टेन इनवर्स x, और फिर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वेरी गुड, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, थैंक यू सर बड़ा अच्छा लगा आपने बताया हमें, अभी आज हमने क्लास की शुरुआत यहीं से करी थी और सर ने गलत बताया था लेकिन वो रेक्टिफाई किया, यही एक जीत है, कोई बात नहीं सर दो बार गलत बताया आप, नहीं आगे देखिए, अब इसको इन सवालों में हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा इन सवालों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है देखिए जरा एक बार देखिए, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, एक बार बताइए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 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 टेन वर्स एक्स, और आपको ध्यान होगा मैं प्रूफ क्या करना है एक बार देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर भी लाना था हमें, याद है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लाना है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं उस क्वेश्चन में, ताकि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या आ जाएगा स्क्वायर भी आ जाएगा, करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, हेल्प करेंगे जरा मेरी कितना आएगा ये, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, फोर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और tan इनवर्स x का स्क्वायर हो गया tan इनवर्स x होल स्क्वायर,
मैं भी लिख रहा हूं जरा, अब ये टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर को मैं क्या लिखूं यहाँ पे, क्या टेन इनवर्स एक्स की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो क्या हम वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या यहाँ, तो सर क्या रह जाएगा बताइए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई। अब मुझे एक बार और डेरिवेटिव इसका करना है, एक बार डिफरेंशिएशन और होगा इसका आपको मालूम है, तो अब करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा वो बच्चा बता पाएगा मुझे, वेरी गुड प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रखा, वाई वन स्क्वायर का कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी एक पावर, कितना हो जाएगा टू वाई वन, फिर वाई वन का फिर करोगे आप, वाई वन का कितना होगा वाई टू हो जाएगा। dy by dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वाई टू का करेंगे तो वाई थ्री, वाई थ्री का करेंगे वाई फोर, वाई फोर का करेंगे वाई फाइव, एक अगला डेरिवेटिव बनकर तैयार आपके सामने आ जाएगा। अच्छा अब क्या करें हम लोग, किसको रखेंगे हम लोग, अब वाई वन के स्क्वायर को रखो और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर का, कितना आ जाएगा पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का कितना हो जाएगा टू एक्स। सर एक्स का तो लेकिन एक्स स्क्वायर का करना है ना बच्चा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फोर वाई का कितना होगा कोई बच्चा बताएगा, फोर वाई वन हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं रचित जी? यस सर। अब देखिए इनमें तो कुछ कुछ टर्म ऐसे जो कॉमन आ रही है क्या सभी सब टर्म्स में, देखिए और एक्चुअली ना ऐसे 50 सवाल हैं जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करेंगे, इसको हम लेबनीज थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये हमारे लेबनीज, तो वहां पे हर क्वेश्चन में टू वाई वन से डिवाइड करना होता है, उसी परिवार का ये सवाल है। तो डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टू वाई वन, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो बताइए क्या बच गया हमारे पास बाकी। हाँ देखिए कितना आएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर टू वाई वन कट गया हमारे पास, यहां से कितना बचा है यहां वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन टू वाई वन इज इक्वल टू टू। देखिए क्या बचा, नहीं बचा ये, नलिन जी समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? हाँ जी सर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में ही बहुत आता है ये सवाल। सर जब दूसरे बार डिफरेंशिएशन किए वो वहां से समझा दोगे? हाँ समझा देंगे बेटा, इन दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश की है बेटा, एक हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रख दिया बेटा, और वाई वन स्क्वायर का कितना होगा बेटा, वाई स्क्वायर का टू वाई वन हो गया, और वाई वन का डिफरेंशिएशन फिर कितना आ जाएगा वाई टू आ जाएगा, वाई वन का कितना आ जाएगा वाई टू, और फिर हमने वाई वन का स्क्वायर रख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का किया तो पावर आगे आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स आ गया। सर यस सर आ गए, थैंक यू सर थैंक यू। कौन डिफिकल्ट लगा आपको ये? अच्छा सवालों में जाना है, अच्छा आप आपके स्कूल में दिक्कत आई थी सवाल को करने में बेटा, कहाँ इशू आया, हो जाता है कई बार, ये 2x तो बेटा है ना येरा, ये 2 तो 2y1 तो कट गया था, ये 2 बचा ना, ये 2x का हमने, अच्छा मैंने x नहीं लिखा यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने, देखिए ये x रह गया था, लेकिन एग्जाम में अगर आप इस सवाल को करके आते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, टीचर का ध्यान नॉर्मली पड़ता नहीं है, छुप गया होगा x कहीं। चलिए आगे सर, चलिए अच्छा ये हमारे एनसीईआरटी के सवाल एक्सरसाइज के खत्म हो गए, अब हम मिसलेनियस की तरफ चलेंगे सर एक बार। क्योंकि एग्जांपल मैंने कहा था आप करके रखेंगे बेटा, एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है एनसीईआरटी के। अब देखिए ये बहुत आसान आसान सवाल है, ये हमारी मिसलेनियस शुरू हो रही है चैप्टर फाइव की, अभी हमारे पास हाँ चैप्टर कहते हैं लेकिन कंटिन्यूटी का अभी टॉपिक बाकी है, लेकिन अभी वो बताऊंगा कंटिन्यूटी बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गए बेटा इसके, अभी जो कर रहे हैं हमारे को कंटिन्यूटी 5.1 है ना बेटा, हाँ एक ही एक्सरसाइज है, हाँ बहुत ईजी है।
हाँ अच्छा बताइए, पहला सवाल बताइए आप कर सकते हैं क्या? पहले सवाल में क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, जिसको एक्स माना उसका हो जाएगा। मैं करके बताऊं क्या कितना आ जाएगा, 9 3x² माइनस 9x+5 की पावर 8 इंटू में कितना आ जाएगा, 6x-9। डू यू एग्री विद मी? इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया किसी बच्चों को करने के लिए, गलत करके आया, बड़ा बड़ा दुख हुआ मुझे। नहीं वो बच्चा अमोक ने गलत किया, अमोक के स्कूल में क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, बच्चा गलत करके आ गया, बड़ा दुख हुआ मुझे। इस क्वेश्चन में था क्या, पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखिए आपको, आप इसको इसको साइन एक्स का होल क्यूब लिखिए और उसकी पावर 6 लिखिए, कितना आएगा इसका बताइए। अब मैं वो लाइन निकले रहा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू कैन राइट इट वेरी इजीली, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 6 कॉस एक्स की होल पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स। वो एक अलग बात है, आप कॉमन वगैरह जो लोगे आपकी मर्जी है साहब, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। क्लियर है अगम जी? यस सर। अच्छा अच्छा मैं आपको छोटा सा सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, बच्चा यहाँ गलती करता है। देखिए देखिए सवाल एग्जामिनेशन ये आ जाए, इसको हटा देते हैं हम लोग, एग्जाम में सवाल ये आ गया, देखिए कितने बच्चे कर पाएंगे इसको। साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितने ही बच्चे बोल रहे हैं सब ने गलत बोला। ये देखिए ये एंगल है, ये एंगल है साहब, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स हो गया और इंटू 3x². बात समझ में आ गई आपको नहीं आई? अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना जरा एक मिनट के लिए। साइन क्यूब एक्स, तो यानी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख लीजिए, ये पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज है समझने की साहब, ये कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, फ्री कितना आ जाएगा, ये अच्छी समझ में आ रहे हैं मेरी बात को बेटा आप? यस सर। ये आ जाएगा 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा बेटा। निपुण जी आप थोड़ा ध्यान दें, बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए बच्चा गलती कहाँ करेगा साहब, देखिए गलती करने का स्कोप बच्चे को कहाँ मिलेगा, सवाल के अंदर ये दिया जाएगा जहां बच्चे को हम फंसाते हैं, क्या साइन रेज टू द पावर 4 एक्स की पावर 7। अब पहले इसको समझो, ये अगर ये साइन पे पावर है तो इसको पहले कैसे लिखो आप, साइन एक्स की पावर 7 एंगल है, इस पूरे की पावर कितनी है, 4 है। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 साइन एक्स की पावर साइन एक्स का क्यूब, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स की पावर 7 इंटू 7x⁶। समझ पा रहे हो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? हाँ जी तनिष जी। यस सर। हाँ नोट करिए सर, बहुत ही शानदार सवाल है। और यहाँ 7x⁶ कैसा है, देखिए यहाँ सर आपने साइन एक्स का कॉस एक्स कर दिया, किसको एक्स माना, एक्स से 7, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन करना नहीं बनता गम जी? यस सर। तो बनता है, तो हमने बना दिया केवल डिफरेंशिएशन का। अच्छा देखिए जरा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल दूंगा, ये भी वो बच्चा गलत करके आया, मुझे बड़ा दुख हुआ साहब, इतना मन ने मेरे कचोटा अपने आपको कि बच्चा मेरा ये सवाल भी नहीं कर पा रहा है। देखिए जरा, नहीं उसके पेपर चल रहे हैं बेटा, मैं रब कर दूं उसको बेटा। देखिए ये सवाल देखिए, थोड़ी थोड़ी गलती करी बच्चे ने, जरा बुरा लगा मुझे थोड़ा। सीकेंड रूट एक्स ये आया, बताइए, वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ जितने बच्चे बैठे हैं सबके अलग अलग आंसर आएंगे, इस क्वेश्चन की खूबसूरती यही है। तनिष जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में? सर एक्स की पावर -1 हो जाएगा और सेक का होल क्यूब हो जाएगा। नहीं 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 कुछ गड़बड़ किया आपने भी, देखिए
इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, आप आंसर चेक कर लीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा? कितना हो जाएगा इसका? पावर आगे आ गई। अब चेक कर लेना सर बेटे, मैं ऐसे नहीं चेक कर पाऊंगा एक बच्चे का। ये कितना आ जाएगा? ये 3x² हो जाएगा। किसको एक्स माना? नहीं, किसको एक्स माना? सेक रूट एक्स का कितना होगा? सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आंसर आएगा। तो अच्छा, मैंने नहीं कहा कि गलत है। आप समझ पाए? वो बच्चा पता क्या गलती करके आया, मैं वो बता देता हूँ आपको, बड़ा दुख हुआ सर। क्या करके आया वो? यहाँ पे ये जो लिखता है ना, यहाँ पे केवल एक्स सेकंड एक्स और टेन एक्स लिख देता है, वो फॉर्मूला लिख के आ जाता है। अरे यहाँ देखना पड़ेगा ना, एंगल अगर रूट एक्स हो तो यहाँ भी तो रूट एक्स लिखेंगे सर। हाँ हर्षिता, क्लियर है बेटा? हाँ सर, सही था, सही था, वेरी गुड। अच्छा समझ आया आपको? तो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू काफी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन 3 को देख के इसमें क्या मैंने बताया था, कौन सा फंक्शन लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल गलत कहा इस बच्चे ने, क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने। देखिए यहाँ पे निपुण जी ने बिल्कुल सही पहचाना है इस फंक्शन को। काफी बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन रूल लगेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनके दिमाग में चल क्या रहा है। लॉग लगेगा? हाँ लॉग लगेगा साहब, यहाँ पे अगम भी कह रहे हैं लॉग लगेगा। वाई इक्वल टू क्या है? 5 पावर कितनी आ रही है? आप दोनों साइड लॉग ले लेते हैं साहब, पता कैसे लगता है लॉग लेंगे? पावर फंक्शन है। लॉग बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग 5 cos 2x हो गया, और ये आ जाएगा लॉग वाई, और ये पावर कहाँ आ जाएगी? अब आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, इनटू कितना? लॉग 5x। अब इन दोनों में क्या लगेगा साहब? वेरी गुड, लॉग वाई का। अब मैंने रख दिया 3 cos 2x को रख दिया साहब, लॉग 5x का कितना होगा? बच्चे बता क्या लिख के आते हैं यहाँ? 1/x लिख के आते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर इंटू 5 आएगा, प्लस किसको रखेंगे हम लोग? लॉग 5x। सर मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। सर जुंगफ्रू गए थे यूरोप के अंदर में, जुंगफ्रू वहां पे भी सर हाफ सीटिश में घूम रहे थे, और वो यूरोप की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है वो। अच्छा क्वाइट 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 क्वाइट, ओके आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है आपको सवाल? ये बस यहाँ भाई से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए जरा, यहाँ देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 cos 2x होल के अपॉन में x, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 6 sin 2x इंटू लॉग 5x। अगर मैं ये x से x काट दूं बेटा, नो सर, थैंक यू। अरे यार माइनस, यहाँ देखो ना ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई करा दी ना, प्लस इनटू प्लस माइनस माइनस। चले कोई बात नहीं, केवर रह जाता है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी उसके एग्जामिनेशन में आया था और उसके स्कूल वाले ने सारे ये मिसलेनियस के क्वेश्चन दे दिए, फोर्थ भी गलत करके आया वो। नहीं नहीं मतलब कैसे करेंगे क्वेश्चन फोर को? क्वेश्चन फोर में रचित आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे, कैसे करेंगे? सर चेन रूल लग जाएगा, कुछ ज्यादा चेन रूल लग जाएगा, बड़ा काम तो है नहीं। इसका एक तरीका और भी है वैसे तो, हाँ फोर्थ क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाएंगे आपको। अरने जी बताइए क्या आइडिया आपका? नहीं बिल्कुल ठीक है आपने, ऐसे करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ये कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स है, इसका मतलब कितना होगा साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 लिख दूं उसको मैं भाई। एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर हाफ है, वन और हाफ थ्री एंड हाफ। अच्छा अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन अंडर रूट में, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। I'm repeating here again, differentiation of sine inverse x is none other than 1 upon under root of 1 minus x square. तो कितना हो जाएगा? dy by dx आ जाएगा, 1 upon under root of 1 minus x square का square आ गया। किसको x माना? x की बार, इसका difference कितना आ जाएगा? 3/2, x की बार half आ जाएगा। अरे x की बार 3/2 का differentiation करेगा तो power आगे नहीं आ जाएगी और एक power कम नहीं हो जाएगी सर जी? अरे यार x इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है तो x की पावर ये वन है और x की पावर ये हाफ है और बेस इक्वल है तो पावर डी वाई बाई डी एक्स है यार, रह गया साहब। क्लियर है मसला ये? तो अच्छा इसके अंदर को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कोई बच्चा बताएगा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कितना आएगा बताइए जरा? ऊपर बच जाएगा हमारे पास 3/2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन ने पता कितना बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। नहीं मैं नहीं पूछ रहा सर, इस बार मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया, इस बार बच्चों को जनरल एंट्री पे काम कराना है क्योंकि पिछले दो सालों में जो मैंने संघर्ष किया ना, बच्चों को जनरल एंट्री नहीं आनी चाहिए। जनरल एंट्री को बच्चों को ज्यादा करानी है सर, 18 नंबर की जनरल एंट्री है सर, 40 में तो 18 नंबर की जनरल एंट्री है, 10 नंबर की अकाउंटिंग क्वेश्चन है बच्चों को ना, क्योंकि जनरल एंट्री का बेस बच्चों को पता होना चाहिए, 10 नंबर की है, 18 28 12 नंबर में चैप्टर 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 6। क्या बेटा क्या कहा आपने? बेटा एक्स की पावर 1/2 वाला रूट एक्स ही तो होता है यार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस अरने जी दिस इज माय मिस्टेक हियर, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग मी दैट कि आई हैव पुट हियर रॉन्ग। अब एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला सर मेरे पास एक और सॉल्यूशन है इसको करने का, शायद रचित मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आप मुझे बताएं वो तरीका। रचित आप बता पाएंगे क्या? का दिमाग में आ रहा था। हाँ बताओ। हाँ क्या वो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में ना बेटे 3/2 पढ़नी है बेटे मल्टीप्लाई में। हाँ ये 3/2 यार, थ्री को ऊपर लिखोगे अच्छा ऐसा ऐसा अच्छा लगेगा, 3/2 एक्स की बार हाफ अपॉन अंडर रूट में 1 - x³। अरे यार ये x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ तो पावर आगे आ जाएगी ना और एक पावर कम हो जाएगी। अच्छा x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया 4 आगे क्यों आ जाता है ये, पर आगे समझ में आपको बस थैंक यू। अच्छा चलें इस क्वेश्चन को करने का एक नायाब तरीका और है, देखिए देखिए मैं एक तरीका दिखाता हूँ जरा आपको करने का। ये एक बच्चा आया और बच्चे ने कहा सर क्या मैं इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। उस बच्चे ने कहा मैं सर x को साइन क्यूब थीटा मान लेता हूं, यहां क्या मान लेता हूं क्या आ जाएगा ये बताइए? नहीं उसने माना उसको साइन क्यूब थीटा,
नहीं, उसने माना उसको साइन स्क्वायर थीटा मान लिया एक्स को, कितना आएगा बताओ जरा। तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी आ जाएगी ये? नहीं तरीका नहीं लग पाएगा ये, नहीं मैं आपको सोच रहने दीजिए, फंस जाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन 2 लग जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करूँगा, कर पाएंगे सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सबको पसंद है ये सवाल, अगर आपको याद हो कौन बच्चा बताएगा मुझे, हर्षित आप बता पाएंगे क्या, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ? वेरी गुड, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, तो एक बार मेरी हेल्प कराइए जरा आप, एक बार वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा सर, ये कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स बाय, कॉपी कर लीजिए साइमेंटेनियसली इसको सर, अपॉन में कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में, अंडरूट में कितना आ जाएगा ये, बिल्कुल सही कहा आपने, आप देखिए अंडर रूट से ये स्क्वायर कर जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा कोई बता पाएगा मुझे, कॉस एक्स बाय टू प्लस, सर स्टेप दिखाने पड़ेंगे कुछ तो आपको सर, एकदम हवा में नहीं कर पाएंगे आप, अदरवाइज सीबीएसई विल नॉट यू नो, कॉस एक्स बाय टू प्लस कितना आ गया, और अभी नेक्स्ट स्टेप में कैंसल आउट करेंगे ना बेटा, दे स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा ना बेटा, ये ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है, आप चाह रहे हो कि इसको इससे काट दें ऐसे, क्या हाँ कर जाएगा ये स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट, एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए, ये आ गया मेरे पास, ये ऐसे है ना देखो, अब क्या होगा फिर भी, अरे यार मैं दो दो बार स्टेप लिख चुका हूँ यार, ये कितना आ जाएगा नीचे यहाँ पे, और साइन चेंज हो जाएगा नीचे, अब क्या होगा देखो, ये माइनस साइन एक्स बाय टू से ये प्लस साइन एक्स बाय टू कर जाएगा, क्यों ये तो कटेंगे बेटा, इसमें क्या बात है, माइनस को माइनस करके दिखाओ, अरे नहीं कुछ नहीं, बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे आपके, 2 से 2 कर जाएगा ये, कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बाय टू हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स बाय टू बच जाएगा, और एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, 1/2 हो जाएगा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है तनिष, तनिष जी चलिए ठीक है, तनिष जी के पास शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम लोग, लॉग क्यों लेंगे या क्यों लेंगे, यस वेरी गुड, लेकिन इस क्वेश्चन को इसमें लॉग ही लोग भर जाएंगे, देखो ये तो मैं पागल हो जाएगा इंसान, मैं करके देख, चलिए जरा y इक्वल टू कितना है बेटा, log x रेज टू द पावर क्या है, log x है, इसको करते हैं तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स इश्यू रेज होती हैं यहाँ पे, log y इक्वल टू log ले लिया मैंने, log x की पावर कितनी है, log x है, हाँ पता है इतने सारे log आ जाएंगे, लॉग वाई हो गया, अच्छा ये वाला लॉग क्या आएगा, आगे आएगा, कौन सा वाला लॉग आएगा, ये आएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स है ये,
log x into log of log x. अब कितने ये इन दोनों में कौन सा रूल लग जाएगा? log y का. अब log x को रख दिया बेटा. अब log of log x का कितना होगा? 1 upon log x. और फिर log x का कितना होगा? 1 upon x plus. अब रख दोगे log of log x को रख दोगे और log x का कितना आ जाएगा? 1 by x खत्म. बस y मल्टीप्लाई करा देना, वैल्यू पुट कर देना. क्योंकि ये इसका एंगल हो तो गया है यार. log of log x है ना, ये log x आ गया है ना मेरे भाई. ये वाला log धरती पर उतर के आया है कि ऐसे कैसे कट जाएगा? अच्छा हाँ ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा सॉरी. और फिर आप क्या हो गए, 1 by x कॉमन भी ले लें फिर तो. तो यहाँ पे 1 by x कॉमन, सॉरी ये y मैंने अपॉन में लिख दिया जबकि आएगा मल्टीप्लिकेशन में. रचित क्लियर है बेटा? यस सर. नलिन यस. हाँ बोलो. क्या सही आंसर? क्वेश्चन नंबर हम नहीं रखूंगा भाई, मैंने स्कूल में वैसे मीटिंग है. अरे अरे 24 जून को हमारे स्कूल में एलुमनाई मीट हो रही है. हाँ देखो शायद देख लेंगे फोटोग्राफी के लिए, देखते हैं. आई विल रिकमेंड योर नेम. यू आर द बिल्कुल वैसे जून में होना नहीं चाहिए वैसे. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करेंगे हम लोग? बिल्कुल जो इस बच्चे ने कहा बिल्कुल गलत कहा. ये देखिए ये बच्चा कह रहा प्रोडक्ट 2 लगेगा. बताइए कहां से प्रोडक्ट 2 लग रहा है यहाँ पे? ये पूरा x माना जाएगा ना. क्या डिफरेंस रहेगा? cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन x. क्या हो जाएगा? a cos x प्लस b साइन x. मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे. अब a कॉन्स्टेंट, a तो कॉन्स्टेंट हो गया. cos x का कितना हो जाएगा? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. खत्म. मेरा एक स्टूडेंट है ना, ही इज वर्किंग इन द स्पाइस जेट. एक्चुअली मैं उसके साइन नहीं, उसके साइन बताऊं क्या? उसके और उसके फादर दोनों के साइन क्या हैं? हाँ पता नहीं. हाउ दे आर पुटिंग द सिग्नेचर. उसका नाम आशीष अग्रवाल. मेरे तो सिंपल है बहुत ही. मैंने गलत करे भाई. मेरा बर्थडे आता है 25th of September. उस दिन प्रिंसिपल मैम का बर्थडे भी आता है. अब मैं बाद में बात करूंगा, अभी कैमरे में हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में कैसा कौन सा फंक्शन लगेगा ये इतिश बता पाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 या वसला आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे? तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे. चलिए देखो अल्टीमेटली देखो आपकी ग्रिप बनी नहीं बनी डिफरेंशिएशन पे. अब लग रहा है कि हमें आता है. अर्णेश जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए.
अब एक्स की इसमें चार फंक्शन है, देखिए एक काम करेंगे छोटा सा, यहाँ एक्स की पावर ए का डिफरेंशियल मालूम है, इसका ही मालूम है, इसका मालूम, सारा झगड़ा बताया किसका है, एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बात करेंगे हम लोग। मैंने इसको, मैंने क्या करा, इसको मान लिया मैंने ए, मान लिया डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या है, ये बाद में कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब एक एक्स की पावर ए का कितना होगा, ए पावर, वेरी गुड, और ए रिज पावर एक्स का कितना होगा, ए रिज पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए रिज पावर ए का कितना होगा, जीरो, जीरो क्या होगा, ए रिज पावर ए का, बिकॉज कॉन्स्टेंट हो गया हमारे पास, जीरो कर तो दिया बेटा मैंने, देखो एक्स की पावर ए का आ गया, या ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अगर आपको पहले आपको फॉर्मूला नहीं लिख पाया था, डी पावर डी एक्स, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ये आपको बनी में एक्स की पावर ए की पावर एक्स का मैंने कर दिया, ए की पावर ए का क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्स की पावर एक्स का ऐसे करेंगे, इसका अलग से निकाल के आंसर पुट कर देना, यहाँ एक्स की पावर एक्स में क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व करके इसके आंसर को यहाँ लिख देना। वसला मेरी बात समझ पाए हैं आप, रचित मेरी बात समझ पाए हैं आप बेटा, यस सर, एक्स की पावर एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। सर प्लीज आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ टू डिफरेंशिएट एक्स इज़ पावर एक्स, यू हैव टू बी टेक इट सेपरेटली, तो वहां दोनों साइड क्या ले लेंगे हम लोग, लॉग लेके कर लेंगे। अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल है यहीं पे, मैं अगले साल की तरफ जाऊं से पहले, देखते हैं आप में से कौन बच्चा पहले कर पाएगा सवाल को, वो सवाल कोई और नहीं, वो है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर टू, टू की पावर एक्स, और टू की पावर टू, कैसे होगा, एक्स की पावर एक्स का क्या करेंगे हम लोग, अलग से कर देंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर का कितना होगा, और एक्स टू की पावर एक्स का, ठीक है, और टू की पावर टू का कितना होगा, जीरो, क्योंकि टू की पावर टू का मतलब चार होता है, चार कॉन्स्टेंट है, हाँ हाँ, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, डी बाई एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका तो सेपरेटली करेंगे हम लोग, डू इट लेटर, क्या लिखेंगे, डू इट लेटर, डू डी वाई एस, डू योर सेल्फ 2x प्लस डू योर सेल्फ, अरे क्या कर रहा है, लॉग टू तो कॉन्स्टेंट है, अकेला होगा तो जीरो हो जाएगा, एम आई राइट हियर, सरीन जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सरीन जी हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में 11 पे चलेंगे जरा हम बेटा आगे, क्वेश्चन में 11 में क्या करेंगे, कौन बच्चा बताएगा, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ लॉग ले सकते हैं या यू प्लस वी मानना पड़ेगा, सर अलग अलग देना पड़ेगा, यू प्लस वी, यू प्लस वी आप डायरेक्ट लॉग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत हो जाएगा बस, क्या बच्चे सीधे लॉग ले आते हैं, क्योंकि एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो लॉग नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में क्या लगेगा, यहाँ यहाँ यू प्लस वी लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में लॉग लगेगा सीधा। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 में 12 में क्या करेंगे, 12 में इसे डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, इसे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, ये ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने कहा था हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करना है, फंक्शन फंक्शन होता है, फंक्शन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, तनिष आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, साइन वर्स का डिफरेंशिएशन तो सीधा आपको मालूम है, इसका कैसे करेंगे हम लोग बताइए, इसका भी ऐसे कर देंगे हम लोग, यहां पे हम लोग एक्स को क्या मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे, एक्स को साइन थीटा मान के भी कर सकते हैं, यहां करके दिखाऊं एक बार जरा, मैं देखिए मैं साइन वर्स का तो सीधा कर दोगे आप, चलिए इसको ऐसा मान लेते हैं हम, यू प्लस वी मान लो इसको बेटा, डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, U कितना दे रखा है आपको बताइए जरा, साइन वर्स एक्स, तो कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डी यू बाई डी एक्स सीधा कितना हो गया आपका, यस और नो, लेकिन झगड़ा सारा किसका है,
v का डिफरेंशिएशन कैसे करें, v हमें क्या दे रखा है यहां पे, आपको याद है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ कुछ याद आ रही होगी। यहां पे x को क्या मान लेते हैं हम लोग, cos थीटा मान लीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो sin थीटा हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से इनवर्स, थीटा की वैल्यू पुट कर दें। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, थीटा का cos इनवर्स x हो जाएगा, उसका माइनस वन अपॉन वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जितनी बार इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो मार्क कर लीजिए। हाँ, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 14 सर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जब भी आएगा बच्चा गलती करके आएगा, क्या बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल ये दे रखा है x, ये कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन जरा, x अंडर रूट में कितना है और प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस x, एक बार दोबारा बता पाएंगे सर क्या है, x अंडर रूट में प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x, आर यू श्योर इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर मैं प्रोडक्ट टूल लगा दूंगा, या भी मैं प्रोडक्ट टूल लगा दूंगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो प्रोडक्ट टूल की, लेकिन जो डिजायर्ड आंसर है वो आपका नहीं आ पाएगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स में याद करने वाला फैक्टर जो आता है ना, आपकी मगअप पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे करने पड़ेंगे, यहाँ इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे हम लोग और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, हो गया सवाल खत्म। कैसे करेंगे हम लोग, ये एक्स अंडर रूट में कितना हो जाएगा, वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में वन प्लस एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायरिंग, ताकि मेरा अंडर रूट का चक्कर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, करिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। अब मैं सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ सर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा, पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा कर लिया, स्क्वायर वाली टर्म्स को और एक स्क्वायर और सिंगल वाली टर्म को अलग अलग कर लिया। सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं इतना फास्ट नहीं कर पाऊंगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कुछ फैक्टर होते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर, ओके थैंक यू सर, एक्स प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताइए, एक्स और वाई कॉमन है, कितना बच जाएगा, अच्छा क्या इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से एक्स माइनस वाई कितना बच गया अंदर हमारे पास, अब सर या तो ये जीरो है, या अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन देनी चाहिए थी x कैन नॉट बी इक्वल टू y, इस क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है बाय चांस नहीं है, x कैन नॉट इक्वल टू y, अगर होती तो डिवाइड x 1 आ जाता, वो हमें निकालना भी नहीं है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल हो जाते हैं। फिर वैसे इस क्वेश्चन में दिया होता है x कैन नॉट इक्वल टू y, क्योंकि x जो y के इक्वल करते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फिर ये वाली मना कर देते मतलब, हाँ इसको लेंगे हम, किसको लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को कितना लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे, इसको भी सॉल्व करें, हाँ कितना आ जाएगा, एक्स को ऐसे रहने दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लो, कितना बच गया, तो यानी कि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई वन प्लस एक्स इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ, वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स। अच्छा अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, सॉरी सही है, नहीं 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 एक्चुअली ना गलती इंसान से ही होती है। वन प्लस एक्स का क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, स्क्वायर वन प्लस एक्स को रख दो यहाँ पे, एक्स का कितना आ गया, वन एक्स को रख दो, वन प्लस एक्स का कितना हो जाएगा, वन। अब एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। देखिए क्या प्रूफ करना था सर, प्लीज रचयदेव एक मार्वलस क्वेश्चन में आता है बेटा ये, यस सर दो बार लिख के करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे ये।
अगर आप इसको प्रोडक्ट टू लगा के करेंगे तो आपका ये आउटपुट नहीं आ पाएगा। नरेन आपकी तारीफ में सर कुछ कह रहे थे, चलिए आपकी तारीफ कर रहा था, कह रहा था जब क्लास में जब माइनस वाली प्रॉब्लम आती है, निपुण कह रहा है कि निपुण आसानी से सॉल्व, सॉरी नलिन आसानी से सॉल्व कर लेता है जब माइनस अंडर रूट आ जाता है। दैट्स द रियली देख कितना पॉजिटिविटी देखते हैं ये। थैंक यू सो मच बेटा, तो मैं अपनी वाणी को फिर विराम देता हूँ यहाँ, ठीक है। और टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं टेस्ट लूंगा, और नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे शाम को ही होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। क्या बेटा क्या कह रहे हो?